स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग रोजाना की तरह ठीक होंगे, बेहतर होंगे, क्योंकि आज की वीडियो जो हमारी होगी हूँ का अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे और उम्मीद है आपको ये निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हूँ का जो अधिकतम बहुलता का नियम है, इसको जानने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पर तीन चीजों की। एक तो आपको ऑर्बिटल का पता होना चाहिए, ऑर्बिटल का आपको पता होना चाहिए, मतलब कक्षक का आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और दूसरा है उपकोष यानी कि सबसेल का आपको यहाँ जो है पता होना चाहिए। उपकोष ये जो मेन है दो, इनका तो आपको निश्चित रूप से पता होना ही होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है ना। उपकोष होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि उपकोष एक एस और पी डी और एक एफ होता है, ठीक है, चार उपकोष होते हैं। अगर हम इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम, और पी में छह इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ जाते हैं, और डी में दस इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ जाते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ऑर्बिटल की, और अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें एक ऑर्बिटल बनता है, और पी में तीन ऑर्बिटल बनते हैं, और डी में, डी को मैं यहां पर बना रहा हूं, डी में बनते हैं पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, और एफ में कितने बनते हैं ऑर्बिटल, एफ में बनते हैं ऑर्बिटल सात, एक दो तीन चार पांच छः, एक दो तीन चार पांच छः सात, ठीक है। ये आपको मैंने पहली वीडियो में भी क्लियर कर दिया था, जहां पर ऑर्बिटल सबसेल की डेफिनेशन के बारे में हमने वहां पढ़ा था, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे संबंधित दरअसल हूंड ने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई भी वस्तु है और वस्तुओं की संख्या मान लेते हैं पांच है, ठीक है, वस्तुओं की संख्या कितनी है पांच, वस्तुओं की संख्या कितनी है पांच है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे मैं बात आपको कैसे क्लियर करता हूं। वस्तुओं की संख्या है आपके पास पांच, और जो घर है, ठीक है, मान लेते हैं घर आपके पास कितना है, घर आपके पास तीन घर है, एक पहला घर दूसरा घर, और आपको इसमें वस्तु बांटनी है पांच। तो इस तरीके से आप को ये अंदाजा लगाना, ठीक है, गलत है कि कहाँ आप जोड़े से वस्तु दोगे, कहाँ आप अकेली वस्तु दोगे। तो सबसे पहले आपको प्रत्येक घर में जाना है और वस्तु एक एक ही आपको देनी है, एक वस्तु दूसरी तीसरी, क्लियर है ना ये बात। यानी कि अगर आपके पास पांच वस्तु हो और घर आपके पास केवल तीन हो, तो आप क्या करोगे उनका, आप प्रत्येक घर में पहले एक एक वस्तु बांटेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर दो, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास पांच वस्तु है तो ये नहीं करना कि इस घर में एक ही बार में दो वस्तु दे दी, इस घर में भी एक ही बार में दो वस्तु दे दी, और इस घर में भी आपको आपने जो है एक बार में एक वस्तु दे दी, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे करना है, ठीक है, आप फिर से दोबारा आएंगे और फिर से एक एक वस्तु यहाँ पर देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें ये हो जाएगा कि जब हम किसी ऑर्बिटल के अंदर ऊर्जा भरते हैं तो सबसे पहले जो उनकी स्पिन होती है वो केवल क्या होती है, वो क्लॉकवाइज में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम शुरू से एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब आप समझते होंगे, क्लॉकवाइज का मतलब होता है जो चक्रण है वो दक्षिणावर्त होना चाहिए, जिसके लिए जो स्पिन का मान है वो 1/2 होना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। जब आप वापस आओगे तो फिर से क्या होता जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होता जाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित इस बात को क्लियर करने के लिए हूंड ने एक नियम का प्रतिपादन किया, और कब किया ये नियम का प्रतिपादन, सन 1927 ईस्वी में किया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, हूंड ने ये अपना रोल कब दिया, सन 1927 में दिया। जो कंपटीशन वाले छात्र हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि 1927 में हूंड का अधिकतम बहुलता का नियम प्रतिपादित किया गया था हूंड के द्वारा, ठीक है। अभी आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए जरा। तो क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब
किसी उपकोष के सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है, बहुत ही आसान परिभाषा मैंने आपको यहाँ बनाकर दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। क्या किसी ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल मीन्स आपके पास ये जो बॉक्स है, मान लेते हैं मैं इसका एक उदाहरण ले रहा हूँ, उदाहरण उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास किसके लिए है, पी उपकोष के लिए है। ठीक है, पी उपकोष भाई एस पी डी ए उपकोष ही तो होते हैं सब शायद, जिनको आप क्या थे ऑर्बिटल मीन्स कक्षक होते हैं, कक्षक। ये क्या है, ये कक्षक है और उपकोष भी सबसेल है ना। तो पी उपकोष के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्टार्टिंग में मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन एक है, तो हमें कितने बॉक्स बनाने होते हैं, इसमें तीन बॉक्स बनाने होते हैं। ठीक है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाएगा। ठीक है सर, वो इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे भरना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तो वे दो इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे, ऐसे भरोगे, इसमें एक इसमें चला जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना कि यहां भर देंगे, नो, सबसे पहले आपको ऐसे भरना है, मतलब जो स्पिन होगी ना, जो चक्रण क्वांटम संख्या होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होनी चाहिए स्टार्टिंग में एनर्जी लेवल को बनाते समय। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीन है तो क्या होगा, देखिए ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपकी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर चार होता तो क्या हो जाता, अगर चार होता ना तो ऐसे हो जाता, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से आपको बाद में युग्मन बनाना है। कुल मिला के आप डेफिनेशन देखिए जरा, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित तो होते हैं, कब, जब किसी उपकोष की सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन तभी युग्मन होना शुरू करेगा, कब, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाए। अगर पांच हो तो क्या होगा, और अगर छह हो तो क्या होगा, पांच होने पर क्या हो सकता है, मैं यहां बना रहा हूं, पांच होने पर आप ऐसा कर दोगे क्या, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और एक पांचवा इलेक्ट्रॉन, और छह होने पर क्या करोगे, छह होने पर सभी में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से आपको जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को भर देना है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि एस ऑर्बिटल में तो केवल क्या होगा, एस ऑर्बिटल की अगर बात करें तो एस में किसके बाद बनता है युग्मन, एक इलेक्ट्रॉन के बाद युग्मन बनता है। ठीक है, और पी में चौथे इलेक्ट्रॉन के बाद युग्मन बनता है, और डी में छठे इलेक्ट्रॉन के बाद युग्मन बनना शुरू होता है, और एफ उपकोष में, एफ उपकोष में होगा चूंकि उसमें सात खाने बनते हैं, सात ऑर्बिटल बनते हैं, तो उसका मतलब ये है कि इसमें जो है आठ इलेक्ट्रॉन के बाद युग्मन शुरू होगा। युग्मन का मतलब है जोड़ा बनना, यानी कि यहाँ देखिए युग्मित तो होते हैं कब, जब सभी में एक एक ऑर्बिटल ना आ जाए, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का समावेश ना हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों ये बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा है। धन्यवाद।